नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी भारी डिमांड पे एक 1 BHK सोसाइटी का फ्लैट लेके आए हैं, जिसके ऊपर फाइनली गवर्नमेंट बैंक लोन कर देगा। नेताजी सोसाइटी के अंदर आजकल ये आपके फ्लैट लेके आए हैं, सेक्टर 13 की बहुत नामी ग्रामी, बहुत मशहूर सोसाइटी है ये, जो कि वेगस मॉल और सेक्टर 14 के मेट्रो से बहुत ही ज़्यादा पास है। बहुत ही ज़्यादा मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको मेट्रो स्टेशन मिलता है द्वारका सेक्टर 14 का। सोसाइटी के एंट्रेंस की बात करते हैं, सामने आप देख सकते हैं गेटेड एंट्रेंस मिलती है आपको। इस सोसाइटी के अंदर आपको 2 द्वार मिलते हैं, पहला फेस वन का हो गया और दूसरा फेस 2 का। यहाँ पे सुविधाओं की बात करते हैं, आपको मिल जाएगा मीठा पानी, BSES, IGL, जो कि सब जगह मिलता है। सोसाइटी के अंदर दुकान कम मिलती है और अच्छे रोड कम मिलते हैं। यहाँ पे रोड बहुत ज़बरदस्त है, DDA मेंटेन करके रखता है और मेंटेनेंस बहुत ही वाजिब है। सामने जो आप दुकान देख रहे हैं, दैट इज़ अ छोटा सा ग्रॉसरी स्टोर जो आपकी सारी डेली नीड्स को पूरा कर सकता है। इस सोसाइटी के अंदर हमें मंदिर भी मिलता है, मदर डेयरी भी मिलती है, पार्क भी मिलता है और कॉमन पार्किंग की सुविधा भी मिलती है। बहुत ग्रीन सोसाइटी रहने वाली है, बहुत ही अच्छे डिसेंट साइज़ का फ्लैट रहने वाला है। फ्लैट दिखाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का कॉमन एरिया, जिसके अंदर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पार्क से। दोस्तों, ये मिलता है हमें नॉट सो ग्रीन पार्क, जिसके अंदर आपको झूले लगे मिलेंगे, जहाँ पे आप आपके बच्चे आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर उन्हें सोसाइटी से बाहर जाने का मन नहीं है तो वो डेफिनेटली सोसाइटी के पार्क को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी अगर हम आसपास के पार्क्स की बात करते हैं, इस सोसाइटी के अंदर और इस सोसाइटी के आसपास आपको मल्टीपल पार्क्स के ऑप्शन मिलते हैं। ये देख लिया आपने पार्क, सोसाइटी का पैसेज मैं आपको दिखा सका हूँ। चलिए अब चलते हैं यहाँ का ग्रीन एरिया और साथ में आपको यहाँ का मंदिर और पार्किंग एरिया भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, पार्किंग के बारे में आपको बता रहा था कि सोसाइटी का फ्लैट लेने का बेनिफिट ये होता है कि आपको पार्किंग की कभी समस्या नहीं आएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये होने वाली हमारी कॉमन पार्किंग, जो आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, आपके दोस्त भी यूज़ कर सकते हैं और आपके रिलेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप सामने पूरा एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर आप पार्किंग लगा सकते हैं। इसके साथ में जो मेरे बैक साइड में आप ये वाला पूरा रेंज देख रहे हैं, यहाँ पे भी आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। चलते हैं फटाफट से, मैं आपको दिखा देता हूँ इस सोसाइटी के अंदर हमें मंदिर कैसा मिलने वाला है। छोटा सा एक पार्क है जिसके अंदर जिम की मशीन है, जिम के इक्विपमेंट्स भी लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ। और साथ ही साथ इस सोसाइटी की जो एंट्रेंस है वो किस तरह से गार्डेड और गेटेड रहने वाली है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, पार्क के बाद मैं आपको दिखाने वाला था कि सोसाइटी के अंदर हमें मिलती है यहाँ पे मदर डेयरी, पीछे है बिल्कुल मेरे देख सकते हैं, जहाँ से आप अपने डेली नीड्स की दूध डेयरी प्रोडक्ट्स की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं टेंपल, जो कि सोसाइटी का खुद का मेंटेन्ड मंदिर है। और इसके सामने जो हम एरिया देखते हैं, ये एरिया होने वाला है यहाँ के कल्चरल प्रोग्राम्स, कल्चरल इवेंट्स के लिए डेडिकेटेड स्पेस है, जिसके लिए अगेन आपको सोसाइटी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सामने जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं, यही वो स्पेस है जिसकी एक डेडिकेटेड एंट्रेंस हमें इस तरफ से मिलती है। मंदिर मिल चुका है, इसके अंदर हमें पार्क मिल चुका है, पार्किंग मिल चुकी है, इवेंट्स के लिए एक जगह मिल चुकी है। लास्ट में क्या बचता है? एक कॉमन एरिया जहां पे आप थोड़ा सा वर्कआउट कर सकें। तो वर्कआउट करने के लिए मिलती है यहां पे हमें डेडिकेटेड ओपन जिम, जिसको सरकार बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रमोट कर रही है, क्योंकि खुली हवा में वर्कआउट करने से आपका स्वास्थ्य नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये देखने के बाद में अब हम चलते हैं फटाफट से हमारे फ्लैट की ओर। दोस्तों, कॉमन पार्किंग देख चुके हैं आप, इस सोसाइटी के अंदर के पार्क देख चुके हैं, अब हम सीधा चलेंगे अपने फ्लैट के अंदर और आपको दिखाऊंगा कि हमारा फ्लैट
किस तरह से अंदर दिखने वाला है पूरा फ्लैट का गो थ्रू। ये जो आप कॉमन एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं अपने फ्लैट के बिल्कुल बाहर, और ये जो पैसेज है ग्रीन पैसेज, इस पैसेज से जाएंगे हम अपने फ्लैट के अंदर। ये मैंने आपको बताया था कॉर्नर का फ्लैट होने वाला है। कॉर्नर दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऐसे वाला कॉर्नर और एक होता है उसका ऑपोजिट वाला कॉर्नर। तो ये है ऑपोजिट वाला कॉर्नर। सबसे अच्छी बात, ये फ्लैट होने वाला है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। ग्राउंड फ्लोर पे मतलब आपको स्टेयरकेस नहीं चढ़ना पड़ेगा। जो आप मेरे राइट साइड में पैसेज देख रहे हैं, जो स्टेयरकेस देख रहे हैं, इस स्टेयरकेस को यूज़ करके लोग ऊपर वाले फ्लोर्स पे जाते हैं, जिस फ्लोर के ऊपर गवर्नमेंट बैंक लोन नहीं करता है। और हम जा रहे हैं अपने ग्राउंड फ्लोर के अंदर जहाँ पे करने वाला है गवर्नमेंट बैंक लोन। लेआउट बता देता हूँ सबसे पहले आपको कि यहाँ पे लेआउट क्या रहने वाला है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही होगी क्योंकि ये फ्लैट इस टाइम खाली है। ये होने वाला है आपका लिविंग रूम, इसके ऑपोजिट में मिलेगा हमें हमारा बेडरूम, और साथ में मिलेगा अटैच किचन एंड अटैच वॉशरूम। यहाँ जो आप राइट में छोटा सा एरिया देख रहे हैं, इसे आप अपना वॉशिंग एरिया कंसिडर कर सकते हैं। इस एरिया के साइज़ की बात करते हैं, इसकी लंबाई यहाँ से होने वाली है 14 फीट और यहाँ से इसकी चौड़ाई होने वाली है 9 फीट के आसपास। सामने की तरफ टाइल्स लगे हुए हैं जिसके चलते यहाँ पे सीलन का कोई ख़तरा नहीं है। लाइफ लॉन्ग आराम से इस प्रॉपर्टी को आप यूज़ कीजिए बिना किसी टेंशन के। इस स्पेस की मैं आपको बात कर रहा था, आप चाहें तो इसे एक अपने वॉशरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और एल्स चाहें तो आप इसे अपने वॉशिंग एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत डिसेंट तरीके से वॉशिंग एरिया आपका बन जाएगा। वेंटिलेशन कैसी है हमारे इस रूम में? वेंटिलेशन के लिए आपको ये वाली विंडो मिलती है। साथ ही साथ इस फ्लैट के अंदर काफ़ी सारा काम किया गया है। आप जो ऊपर एसी देख रहे हैं, 1.5 टन का एलजी का एसी लगा हुआ है, ये आपको आपके फ्लैट के साथ मिल रहा है बिल्कुल मुफ्त। यहाँ पे जो टीवी पैनल है, काफ़ी खूबसूरत काम हो रखा है, ये भी आपको मिल रहा है आपके फ्लैट के साथ में। ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं फॉल सीलिंग नहीं हो रखी है, बट यस POP से बहुत सुंदर डिज़ाइन, और पेंट बिल्कुल फ्रेश हो रखा है, आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आने वाला है। यहाँ से आएंगे हम अपने लिविंग रूम कह लीजिए, पर्सनल बेडरूम कह लीजिए, जो आपका मन हो आप इसे प्लान कर सकते हैं। साइज़ की बात करते हैं, साइज़ बिल्कुल सेम रहने वाला है। ग्राउंड के ऊपर हमें संगमरमर का पत्थर मिलता है लगा हुआ। साइज़ अगेन 14 फीट बाय 9 फीट, ये इसका साइज़ रहने वाला है। इस वाली वॉल के ऊपर भी हमें टाइल्स मिलती हैं लगी हुई, अगेन सीलन का कोई ख़तरा नहीं है। फैंस, लाइट, छोटी मोटी चीज़ें सारी की सारी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे लकड़ी का हमें छोटा सा अलमीरा जैसा स्टोरेज स्पेस मिलता है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं जैसे मनो वैसे। उसके बाद में यहाँ जो आप ये एरिया देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, तो ऊपर हमें मिलता है थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस, कैबिनेट बना हुआ है एक। साथ ही साथ इस लेवल के पीछे बनी हुई है शाफ्ट, जिसकी कनेक्टिविटी मिलती है हमें इस वाले वॉशरूम से और उस वाले किचन से। तो यहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा रहे इस वाले स्पेस के अंदर भी, इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे किचन के अंदर, किचन हमारा किस तरह से होने वाला है। किचन के अंदर आपको एक रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगवाना है। यहाँ पे देखिए स्टोरेज के लिए प्रॉपर शेल्फ बनी हुई है, चिमनी लगी हुई है, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे शाफ्ट है, और नीचे यहाँ पे मार्बल लगा हुआ है, और ये आपके स्टोरेज जो स्पेस है स्टेनलेस स्टील के अंदर बना हुआ है पूरा। तो एक्स्ट्रा कोई काम आपको नहीं करवाना है। सबसे अच्छी बात यही है कि DDA फ्लैट्स के अंदर जनरली आपको काम करवाना पड़ता है, यहाँ पे आपको कोई काम नहीं करवाना पड़ा, सारा का सारा काम आपको ऑलरेडी होके मिल रहा है। और ये होने वाला है हमारा फाइनल वॉशरूम। यहाँ पे आपको मिल जाता है वेस्टर्न कमोड, साथ ही साथ हाथ धोने के लिए अच्छा सा सिंक मिल जाएगा आपको, और एक बहुत ही बढ़िया गीज़र मिलता है हमें LPG गैस से ऑपरेटेड, भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का फ्लैट। आशा करता हूँ आपको फ्लैट पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छा काफ़ी डिसेंट फ्लैट बना हुआ है। प्राइस बहुत कम, बहुत ही बढ़िया नेगोशिएबल प्राइस है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है आप उसे देख सकते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की गुंजाइश है। यहाँ पे सुविधाओं की बात करते हैं, सारी सुविधाएं मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार मैं आपको सारी सुविधाएं दोबारा से बता देता हूँ।
सोसाइटी का फ्लैट होने वाला है, द्वारका का पिन कोड मिलेगा आपको बहुत ही कम, बहुत ही वाजिब दाम के ऊपर। साइज़ प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा है, ग्राउंड फ्लोर पे होने के कारण इसके ऊपर आपको गवर्नमेंट बैंक भी लोन कर देगा। कर देगा कि तो छोड़िए, इस पर ऑलरेडी गवर्नमेंट बैंक से ही लोन चल रहा है, जो आप चाहें तो अपने नाम पे ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। प्राइसिंग की बात करते हैं, द्वारका के अंदर आपको इस तरह का फ्लैट मिल जाता है 32 लाख रुपए से 35 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर। तो आप इस तरह का कोई भी फ्लैट अगर प्लान कर रहे हो, जो कि इस तरह के खांचे का फ्लैट बोलते हैं इसको, तो ये आपको इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा। और जो सिंगल फेसिंग फ्लैट होते हैं, अच्छे फ्लैट होते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी बालकनी, क्लीन बालकनी के साथ में, उनकी जो रेंज आती है वो आती है 47-48 लाख रुपए से लेकर 52-55 तक। तो आप ये वाली प्राइसिंग को कंसिडर कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो इस फ्लैट की जानकारी थी, विस्तृत जानकारी मैं आपको पूरी दे चुका हूँ। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।